मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल आज हम देखेंगे वेल्डर एम टेस्ट और टॉपिक है इलेक्ट्रोड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड हर एग्जाम में ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम अप्रेंटिस की एग्जाम और सी एग्जाम इस ऐसे एग्जाम में या वेल्डर के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इलेक्ट्रोड टॉपिक के ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहते ही है क्वेश्चन है देर आर टू मेथड्स बाय विच फ्लक्स कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड कोर वायर इलेक्ट्रोड कोर वायर पे फ्लक्स कोटिंग करने की दो पद्धति है ऑप्शन ए डिपिंग एंड सकिंग ऑप्शन बी सकिंग एंड ब्लोइंग ऑप्शन सी डिपिंग एंड एक्सट्रूजन ऑप्शन डी ब्लोइंग एंड एक्सट्रूजन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीपिंग एंड एक्सट्रूजन इलेक्ट्रोड कोर वायर के ऊपर फ्लक्स कोटिंग करने की जो पद्धतियाँ हैं वो पद्धति है डीपिंग एंड एक्सट्रूजन ऑप्शन सी इसका सही आंसर डीपिंग एंड एक्सट्रूजन द इलेक्ट्रोड्स दैट आर नॉट कोटेड आर कॉल्ड जो इलेक्ट्रोड कोटेड नहीं होता है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ये बेयर इलेक्ट्रोड ऑप्शन बी राय इलेक्ट्रोड ऑप्शन सी बेस इलेक्ट्रोड ऑप्शन डी न्यूड इलेक्ट्रोड तो जिसके ऊपर कोटिंग नहीं रहता है उसे बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेयर इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड आर मैन्युफैक्चर्ड इन टू स्टैंडर्ड लिंक नेमली इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उसकी लंबाई स्टैंडर्ड लंबाई का बनाया जाता है ऑप्शन ये mm mm, 350 सौ एंड 250 सौ ऑप्शन बी 350 सौ एंड 450 सौ ऑप्शन बी 450 सौ चार सौ एम एंड 500 सौ mm, ऑप्शन डी 18 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 350 सौ mm एंड 450 सौ पचास एम एम आलवेज मटेरियल विल बी यूज इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटिंग तो किस प्रकार के इलेक्ट्रोड को के ऊपर सेलुलोजिक मटेरियल यूज किया जाता है तो ऑप्शन ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑप्शन बी गाउजिंग इलेक्ट्रोड ऑप्शन सी डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड ऑप्शन सी ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड हमेशा ही डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड के ऊपर सेल्यूरोजिक मटेरियल लगाया जाता है उसका प्लग शूटिंग किया जाता है डीप पेनेट्रेशन इलेक्ट्रोड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड विल पिकअप मॉइस्चर इजिली किस प्रकार के इलेक्ट्रोड के ऊपर मॉइस्चर जल्दी चढ़ता है ऑप्शन ये एसिडिक कोटेड इलेक्ट्रोड ऑप्शन बी रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड ऑप्शन सी बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड ऑप्शन डी टिटनिया कोटेड इलेक्ट्रोड तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड के ऊपर माइस्चर जल्दी पकड़ता है ऑप्शन सी बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड साइज रेफर्स इलेक्ट्रोड का आकार किससे दर्शाते हैं ऑप्शन ये डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर ऑप्शन बी डायमीटर ओवरऑल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑप्शन सी थिकनेस ऑफ फ्लक्स कोटिंग ऑप्शन डी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोड का साइज ये इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन ये डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड्स हैव देअर कोटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर बड़े पैमाने पे कोटिंग किया रहता है तो ये कोटिंग किसका किया रहता है ऑप्शन ए कार्बन ऑप्शन बी मैग्नीज ऑप्शन सी सिलिकॉन ऑप्शन डी आयरन तो आयरन का कोटिंग कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड पे किया रहता है ऑप्शन डी आयरन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नीचे दिए गया कौन सा वाक्य सत्य है ऑप्शन ये हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स आर इजी टू यूज इन वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजीशन ऑप्शन बी फ्लक्स कोटिंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन सी स्लैग प्रोड्यूस बाय बर्निंग आ फ्लग्स शुड फ्रीज क्विकली ऑप्शन डी इट इज इजियर टू स्ट्राइक एन आर्क विद बेयर तो जो स्लैग है स्लैग फ्लग्स जलने के बाद तुरंत ठंडा होता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्लैग प्रोड्यूस बाय बर्निंग आ फ्लग्स शुड फ्रिज क्विकली ऑप्शन सी द लास्ट बीट ऑफ एन इलेक्ट्रोड विच डिस्कार्डेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर जहां पे खुला छोड़ा रहता है उस बीट को लास्ट में क्या कहते हैं लास्ट में जो इलेक्ट्रोड के ऊपर तो उसे कहते हैं स्टब एंड ऑप्शन बी हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड इज नॉर्मली सुटेबल फॉर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड ये किस के लिए यूज में आता है ऑप्शन ए वेल्डिंग इन फ्लैट पोजीशन ऑप्शन बी डीप ग्रू जाइंट इन वर्टिकल पोजीशन ऑप्शन सी एसी वेल्डिंग ऑप्शन डी थिक प्लेट इन एनी पोजीशन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये वेल्डिंग इन फ्लैट पोजीशन हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग इन फ्लैट पोजीशन में यूज किया जाता है ये डब्ल्यू एस कोड ऑफ इलेक्ट्रोड स्टार्ट विद द लेटर ई फॉलोड बाय द फोर डिजिट नंबर व्हाट डज द थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट्स अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कोड में इलेक्ट्रोड का लेटर ई e से स्टार्ट होता है और उसके बाद चार लेटर आते हैं चार नंबर आते हैं उसमें तीसरा डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन ए पोलैरिटी ऑप्शन बी वेल्डिंग पोजिशन ऑप्शन सी टाइप ऑफ प्लक्स कोटिंग ऑप्शन डी टेंट्रेंथ ऑफ वेलमिटल तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेल्डिंग पोजिशन तीसरा डिजिट यह वेल्डिंग पोजिशन दर्शाता है ये डब्ल्यू एस कोड ऑफ इलेक्ट्रोड स्टार्ट विदर ई फॉलोड बाई फोर डिजिट नंबर वू द वॉट डज द फर्स्ट टू डिजिट रिप्रेजेंट ये डब्ल्यू एस कोड में ई e लेटर से स्टार्ट होता है और चार डिजिट नंबर आते हैं उसमें पहले दो डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्शन ए पोलैरिटी ऑप्शन बी वेल्डिंग पोजीशन ऑप्शन सी टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग ऑप्शन डी टेंसल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मेटल तो पहले जो दो डिजिट है ये टाइप इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मेटल दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड डिपॉजिट ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रोड में एक कौन सा इलेक्ट्रोड ये ज्यादा पैमाने पे वेल्ड मेटल डिपॉजिट करता है ऑप्शन ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑप्शन बी आयन पाउडर इलेक्ट्रोड ऑप्शन सी डीप न्यूट्रेशन इलेक्ट्रोड ऑप्शन डी हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयन पाउडर इलेक्ट्रोड आयन पाउडर इलेक्ट्रोड ये ज्यादा मेटल डिपॉजिट करता है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग जो लगाया रहता है उसका कार्य क्या रहता है ऑप्शन ए टू इंक्रीज द वेल्डिंग करंट ऑप्शन बी टू स्टेबलाइज द आर्क ऑप्शन सी टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑप्शन डी टू कंट्रोल आर्क टेम्परेचर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टू स्टेबलाइज़ द आर्क आर्क को स्थिरता देना ये प्लस का काम रहता है प्लक्स कोटिंग का काम रहता है इन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड द डिजिट फोर इंडिकेट्स इलेक्ट्रोड कोडिंग पे चौथा डिजिट क्या इंडिकेट करता है ऑप्शन ये ऑल पोजिशन एक्सेप्ट वर्टिकल डाउन ऑप्शन बी फ्लैट बर्ट वेल्ड फ्लैट फिलेट एंड हरिजेंटल वर्टिकल फिलेट वेल्ट ऑप्शन सी फ्लड बर्ट वेल्ड एंड फ्लैट फिलेट वेल्ड ऑप्शन डी वर्टिकल डाउन फ्लैट फ्लैटबर्ट फ्लैट प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट वेल तो इलेक्ट्रोड कोडिंग पे जो चौथा डिजिट है ये इंडिकेट करता है कि ये फ्लैट बेट फ्लैटबर्ट वेल्ड और फ्लैट प्लेट वेल्ड के लिए उपयोगी है ये चौथा डिजिट शो करता है इंडिकेट करता है व्हाट इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड सुटेबल फॉर वेल्डिंग टू पॉइंट फाइव एम mm एम थी माइल स्टील सेट दो पॉइंट एम mm एम जाड़ी जाड़ी माइल स्टील का पत्रे के ऊपर वेल्डिंग करना है तो क्या साइज का इलेक्ट्रोड सुटेबल है ऑप्शन ये फाइव वन पॉइंट सिक्स एम एम ऑप्शन बी फाइव टू पॉइंट फाइव एम एम ऑप्शन सी फाइव थ्री पॉइंट फिफ्टीन एम एम ऑप्शन डी फाइव फोर एम एम तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फाइव 2.5 पॉइंट फाइव एम एम दो पॉइंट पाँच एम एम जाड़ी के ऊपर दो पॉइंट पाँच का एम इलेक्ट्रोड लगेगा इन कोडिंग इन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड्स इज इंडिकेटेड बाय द लेटर इलेक्ट्रोड कोडिंग में रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड किस अंक से दर्शाया जाता है ऑप्शन ये ये ऑप्शन बी एक्स ऑप्शन सी वाई ऑप्शन डी जेड तो ये कैपिटल एक्स अंक से दर्शाया जाता है रेडियोग्राफिक इलेक्ट्रोड धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वेल्डर एमसीक्यू टेस्ट